Hey guys, I am Priyanka. Welcome to my channel. Hope you all are doing good. It's been an year since I haven't uploaded anything on this YouTube channel, और ये इस साल का पहला वीडियो है. Quick life update I want to give you. I have been into like three phases. पहला phase was health issues. Second was family functions. And third was we bought our new house. So it took some time for us to like to set up this entire house. और अभी भी काफी चीजें pending. That was a quick update जो कि मैंने एक साल में किया. And now hopefully I think I'll be on track and I'll be uploading videos regularly. अब ज्यादा बातें ना करते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं. आज के वीडियो में I'll talk about my current स्किन केयर रूटीन, जो भी चीजें मैं यूज करती हूँ, एंड why is there any reason why I am using these products. So ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी. लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी. सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम आर ऑन आर फेस, अपनी बॉडी पे, सारी चीजें जो हैं हमें एक्सटर्नली लाइक एक्सटर्नल सॉर्ट ऑफ ग्लो देती है या फिर जो भी है, विच इज टेम्पररी. लाइक ये चीजें जो है आपको परमानेंटली चीजें आपकी चेंज नहीं कर देंगे. इफ यू हैव टेक्सचर ऑन योर स्किन, इट विल नॉट रिमूव दोज टेक्सचर परमानेंटली. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट एवर वी आर पुटिंग इन साइड आर बॉडी, दैट इज समथिंग which will contribute to our overall glow, overall skin appearances and texture. हम सभी को इसीलिए हेल्दी खाना चाहिए. आई नो इट्स डिफिकल्ट, नहीं हो पाता है, बट ट्राई टू ईट हेल्दी मोस्ट ऑफ द टाइम. इतनी ज्ञान की बातें आज के लिए बहुत है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज अ फेस क्लेंजर, यो फेस वॉश है बेसिकली. इट इज बाय डॉटन की एंड इट इज द डीप पोर क्लीन मिल्की फॉर्म क्लेंजर. बहुत अच्छा क्लेंजर है. रीजन बींग कि इसमें जो क्लेंजर है दैट इज इफ आई शो यू, ये जो है थोड़ा सा क्रीम बेस्ड क्लेंजर है. तो जब भी मैं इससे अपना फेस वॉश करती हूँ, एंड मैं अपनी पहले भी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आई एम अ वेरी 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 सुपर ड्राई स्किन टाइप. सो जब भी मैं ये क्लेंजर यूज करती हूँ तो मुझे अपनी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई नहीं लगती है, लाइक खिंची खिंची नहीं लगती है. देर इज नॉट, आई डू नॉट फील दैट इमिडिएट नीड टू अप्लाई मॉइस्चराइजर कि मुझे अभी तुरंत कुछ लगाना है. तो दैट्स वाई आई लाइक दिस क्लेंजर अ लॉट. बहुत अच्छा क्लेंजर है ये. इसकी एक बात और, दिस इज लाइक डॉटन की के सारे प्रोडक्ट्स विच आर लाइक दे आर क्रूल्टी फ्री एंड दे आर 100% वीगन. एल्कोहल नहीं है इनमें, दे आर पैराबेन फ्री, दे आर सल्फेट फ्री. सो दैट गिव्स मी अ रीजन व्हाई आई शुड इन्वेस्ट इन डॉटन की. दिस इज आई वुड नॉट से बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट सुपर एक्सपेंसिव, लाइक मिड रेंज में आ जाता है. आई गॉट दिस क्लेंजर फॉर दिस रिटेल्स फॉर 395, बट आई हैव गॉट दिस एन ऑन एन ऑफर. अभी जो सेल चल रही थी इसमें मैंने इसको प्रोडक्ट को परचेज किया था. तो ये जो है काफी अच्छा क्लेंजर है एंड इट इज वर्किंग रियली वेल फॉर मी. सो सबसे पहले हमने क्लीन कर लिया फेस. सेकेंड स्टेप इज योर लाइक इन अ CTM रूटीन, सेकेंड स्टेप इज योर टोनर. लाइक मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो मेरे पास टोनर है. आई यूज इट लाइक कभी कभी जब समर्स होती हैं तो आई यूज इट, लेकिन जनरली आई डोंट यूज टोनर. सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट यूज टोनर. बट मेरे पास एक टोनर है विच इज फ्रॉम द मॉम्स को. दिस इज देयर नेचुरल डेली फेस टोनर विच हैज विटामिन सी एंड नाइसिनामाइड एंड इट इज ऑल्सो एल्कोहल फ्री. सो ये टोनर है, दिस इज ऑल्सो अ नाइस टोनर, बट आई डो नॉट यूज इट वेरी ऑफन तो आई कैन नॉट टेल यू कि कितना ज्यादा काम करेगा ये. सो दैट्स द टोनर. मूविंग ऑन टू आर थर्ड स्टेप, एज आई हैव एंटर्ड माई 30s, सो मैंने सोचा कि आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सीरम्स. सो मैंने एक सीरम अप्लाई किया है विच इज वाइटामिन सी. दिस इज बाय द ब्रांड मिनिमलिस्ट and it is their vitamin C 10% and AG 1%. So this is basically, this is not the pure vitamin C. Vitamin C is highly unstable material. तो as soon as it comes in sunlight, even with this, अगर इसको आप sunlight में रख देते हो या आप अप्लाई करके serum sunlight में निकल जाते हो without sunscreen, इसका कोई benefit नहीं मिलने वाला है. It may harm you. ये मेरी दो bottles हैं, ये this is over और ये वाली bottle जो है I'm currently using. So this is very nice product. तो मैं फेस वॉश करती हूँ, आई अप्लाई टोनर इफ आई वॉन्ट टू. अदरवाइज वॉट आई डू इज आई अप्लाई दिस सिरम. इसको जस्ट इसमें एक अच्छा सा ड्रॉपर आता है, काफी फैंसी लुकिंग. सो इससे दो तीन ड्रॉप यू जस्ट अप्लाई ऑन योर फेस एंड उसके बाद से यू जस्ट
मसाज इट ऑन योर फेस. और उसके बाद से थर्ड स्टेप इज, फॉर मी इट्स अ थर्ड स्टेप, आई अप्लाई माई मॉइस्चराइजर. सो मॉइस्चराइजर इज, आई एम इन लव विद द बॉटल, दिस इज सो नाइस. ओके, सो मैंने सिरम अप्लाई कर दिया, देन आई अप्लाई दिस मॉइस्चराइजर फ्रॉम डॉट एंड की. इट इज देयर हाइड्रेटिंग जेल प्रोबायोटिक्स. सो ये सिरम जो, दिस मॉइस्चराइजर इज बेसिकली नॉट वेरी स्टिकी स्टिकी मॉइस्चराइजर. इट गिव्स मी दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन. और ये मेरी फेस जो है ना वो काफी चिपचिपा सा नहीं लगता है. इट डजंट फील हैवी एट ऑल. सो दिस इज वेरी नाइस. आई मस्ट से डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं. सो वंस आई अप्लाई दैट सिरम एंड आई अप्लाई दिस मॉइस्चराइजर लाइक जेल, उसके बाद से आई अप्लाई माई सनस्क्रीन. तो सनस्क्रीन, विटामिन सी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू अप्लाई अ सनस्क्रीन. सनस्क्रीन के बिना इट विल नॉट वर्क. एंड मिनिमम अ सनस्क्रीन ऑफ 30 SPF. आई एम यूजिंग 40 SPF एंड ऑल्सो मेक श्योर इट इज UVA, UVB प्रोटेक्टेड एंड PA++. सो दिस इज समथिंग माई डॉक्टर रेकमेंडेड दिस टू मी. लेकिन लाइक आप कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, मेक श्योर कि उसका SPF जो है इट इज अबव 30. सो This is the current thing that I have been using. This is something that I feel जो कि मैं daily basis पे I can follow, I can use, और ये सारी चीजें जो है मैं apply कर सकती हूँ. मुझे ऐसा नहीं लगता कि my skin care is like very hectic और मैं इस चीज को daily apply नहीं कर सकती. So दूसरे एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि जब भी आप अपने skin care में कुछ भी चीज के changes करते हैं, for example if you want to try a new face wash, तो आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी कि आपने फेस वॉश भी खरीद लिया, आपने मॉइस्चराइजर भी खरीद लिया एंड आपने सनस्क्रीन भी खरीद लिया एंड यू हैव इन्वॉल्व लाइक अपने स्किन केयर को आपने एंटायरली अचानक से चेंज कर दिया. डू नॉट डू इट लाइक दिस. आपकी स्किन पे एलर्जीज हो सकती हैं, लाइक ऐसा जरूरी नहीं है बट देयर आर केसेस कि आपकी स्किन पे एलर्जीज हो सकती हैं. सो व्हाई टू टेक रिस्क. एक बार आप एक टाइम पे एक चीज ही अपने स्किन केयर में इंक्लूड करें. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर trying to include two three things, तो पहले आप अपना face wash change करें, try it for 1 week, अगर if it is working fine with your current thing, उसके बाद से आप दूसरी चीज change करें. एक साथ ही अपना पूरा का पूरा skin care routine ना change करें, because it might affect your skin or like it might affect your skin in a negative way. So that's it for my today's video. सारे ही products के link मैं description box में डाल दूंगी. आपके कोई भी questions हैं, please drop a note in the comment section down below. And I shall see you in my next. Bye. Take care.